वंदे विदेहतनया पदकुंडलीकं कैशोर सौरभ समाहित योगचित्तम् अन्तं त्रितापमनिशं मुनिअंशसेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादरदुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हे मामरं वर विभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशं गंगा तरंग रमणीय जटाकलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्र वन्ने नेत्रां धनुसरयुतां कुशपाशशूलम् रम्ये भुजे ददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलोभां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पभारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकं बोलि शंकर भगवान की जय हो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो जगदम्बे मैयास की जय हो श्री गंगा महारानी की जय हो कोटेश्वर महादेव की जय हो ओम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय Bye.
हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप पुराण त्रय अंतर्गत समस्त विद्वजन के बीच में कलि पावन अवतार भगवत भक्ति भूषण भगवान श्री वेद व्यास जी के महाप्रसाद रूपी भगवान शंकर की इस मंगलमय कथा में आप सभी श्रोता समुदाय के बीच आज हम लोग देखो बोलना नहीं आपस में, बैठ जाओ जरा साथ में, थोड़ा बैठ जाओ जरा, थोड़ा सा शांति बनाए रखे जरा, लड़ाई झगड़ा घर में हो जाए सब यखन करना, शांत रहिए सब लोग। जितनी जल्दी शांत होंगे उतनी जल्दी ही कथा प्रारंभ होगी, तब तक कथा आगे नहीं बढ़ती जब तक आप शांत नहीं हो जाते। बोले शंकर भगवान की जय हो, हर हर महादेव। बड़ी सुमधुर माँ जगदम्बा की कथा का श्रवण लाभ लोग आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथाओं के बीच ये समस्त जगत भगवान कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये क्रीड़ा स्थली भगवान की लीला स्थली है, परमात्मा का ये समस्त ब्रह्मांड भगवान की लीला स्थली है। कभी वो भगवती के रूप में लीला कर देते हैं तो कभी कृष्ण कन्हैया के रूप में अवतरित होकर के लीला कर देते हैं, और कभी राम रूप में लीला कर देते हैं। भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत कीर्तियां भगवान की, अनंत लीलाएं, और इन लीलाओं का ज्ञान अलग अलग पुराणों के होने की वजह से आपको भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह तत्व सिर्फ एक है, एक ही तत्व है, सर्वम विष्णुमयम जगत शिवोहम। इस समस्त जो प्रपंच है कई पुराण शास्त्रों के अंतर्गत आया है, ये संसार जो है ये समस्त भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के ही पेट में, भगवान के ही उदर में ये समस्त संसार है। भगवान के कार्य क्या आने के चार कार्य हैं भगवान के, उत्पत्ति, स्थिति, लय और तिरोधान। ये चार चीजें परमात्मा के कार्य हैं, भगवान ये चार चीजें करते हैं। संसार की उत्पत्ति करते हैं परमात्मा, अपने में से ही संसार बना देते हैं। भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, तो संकल्प मात्र से ही, संकल्प से ही भगवान का नारायण अवतार बन गया अपने आप ही, और उसी संकल्प के द्वारा भगवान में से ही समस्त सृष्टि संचारित होने लगी। अब उनके ही श्री विग्रह से ही भगवान से ही समस्त सृष्टि संचारित होने लगी, बनाई नहीं भगवान ने, केवल संकल्प किया और संकल्प से अपने आप बनना प्रारंभ हो गया सब कुछ। स्थिति, इसका पालन करना, और अंत में श्रृंगार करना, और फिर तिरोधान। तिरोधान का मतलब इन तीनों को धारण करना। जैसे आपने देखा होगा मकड़ी, मकड़ी अपने मुख से ही जाला निकालती है, जितना लंबा उसे जाला करना हो उतना लंबा करती है, और फिर उसको छोटा भी कर देती है। अगर उसकी समझ में नहीं आएगी कि यहां जाला नहीं बनाना, तो वो जितना जाला निकाला है उसी को समेट लेती है अपने आप में, कहीं दूसरी जगह बना देती है। ऐसे ही परमात्मा भी अपने आप में ही, अपने से ही संसार को प्रकट कर देते हैं और अपने में ही समाहित कर देते हैं।
भगवान शिव, शिव तत्व क्या है? शिव अनादि है, अनादि शिव। जब ये संसार है तब भी संसार रहेगा, तब भी, और जब नहीं भी रहेगा, लय प्रलय जब हो जाएगी उसके बाद भी शिव तत्व ही बचता है। इस संसार के प्रलय होने के बाद जो कुछ बचता है वो शिव ही है, केवल शिव ही शिव बचता है, बाकी सब लय हो जाता है। शिव का कभी लय नहीं होता। भगवान ये जगत परपंच को बनाते हैं, इसकी स्थिति पालन करके और फिर बिगाड़ देते हैं, अपने आप में लय कर देते हैं सृष्टि को। ये कथाएं इतने इतने बेल पत्र खा करके, गंगा जल पी करके वेदव्यास महामुनि ऋषि मुनियों ने खोज खोज करके, एक एक शब्द शब्द खोज करके और उनको अपने जीवन में उतार करके, धारण करके, उस उन तत्वों को, उन सूत्रों को अपने जीवन में चरितार्थ करके उन्होंने एक सूत्र बना करके लिख दिए हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सर्वसाधारण के लिए, आपके लिए और हमारे लिए, कि हम और आप सुन करके जिनको शांति चाहिए शांति मिलेगी, जिनको अन्न चाहिए अन्न धन, जो जिसकी मनोकामना है उस मनोकामना से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, भगवान के इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन स्पर्श श्रवण करने मात्र से। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि जो वेदव्यास जी महाराज ने भी देखा, जब साम्य प्रयास कुटिया में बैठ करके बाबा जब बैठे थे सवेरे सवेरे, एक दिन ध्यान लगा कर देखा भविष्य पटल पर, भविष्य कैसा आने वाला है, कलयुग का आतंक। ये कलयुग क्या है? दावा नल है, जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, दावा नल, दावा नल के समान है कलिकाल का यह समय। जो भगवान के चरणों का ध्यान करेगा, जो भगवान के चरणों में बैठेगा, जो उनका आश्रय लेगा, केवल वही जीवित रहेगा, वही बच सकता है, नहीं तो इस दावा नल की अग्नि में सब भस्म हो जाएंगे, सूखे के साथ हरा भी सब जल करके भस्म हो जाएगा। इस कलिकाल के विडंबनाओं को देख करके थोड़ा सा अपने आप को देश काल परिस्थिति के साथ बदलना चाहिए हमारे को, कुछ कुछ अंश तो, कुछ ना कुछ तो अवश्य ही, पुराणों का श्रवण करके, शास्त्रों को सुन करके, संत महापुरुषों की संगति से हमारे जीवन में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आना ही चाहिए, और आएगा धीरे धीरे। जहां जहां भगवान की कथाएं हों वहां आप लोग उपस्थित रहें, जाते रहें, तो धीरे 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 अपने आप ही परिवर्तन होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जीवन हमारा आनंदित हो जाएगा। हम दुखी क्यों हैं? इसलिए है कि हम अपने आनंद स्वरूप में नहीं है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, भगवान ने जो स्वरूप दिया हमारा, वो हमारा है आनंद स्वरूप। कौन सा स्वरूप है? आनंद स्वरूप। बोलना पड़ेगा भाई, नहीं तो पता क्या लगेगा आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कौन सा स्वरूप है हमारा? आनंद स्वरूप है। और आनंद स्वरूप जब हमारा जो मूल स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो फिर हाय हाय क्यों लगी है हमारे जीवन में, इतनी परेशानी क्यों है? परेशानी इसलिए है कि हम उस मार्ग को भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं। थोड़ा सा हम उस रास्ते को छोड़ करके, दुनिया की चका चौंध को देख करके हमने वो रास्ता थोड़ा छोड़ दिया है, इसलिए जीवन में थोड़ा सा परेशानी आ रही है। जो दुखी जीवन हो रहा है,
व्यथित हो रहा है। इसका कारण ही वही है कि हमने जो अपना जो मूल रास्ता था, मूल स्वरूप था, उसको छोड़ दिया है। हम धीरे धीरे आकर्षित होते जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यताओं की ओर, और वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। मंत्र ले जा रहे हैं यहां से, संगीत ले जा रहे हैं यहां से। पहले तो यहां का सोना चांदी ले गए बाहर, अब हमारी संस्कृति को शोध करके ले जा रहे हैं। और हम लोग उसी संस्कृति का शिकार होते जा रहे हैं। और उसी के हमारे देश की जो संस्कृति है ना, अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग सभ्यता है, अलग रहन सहन है। तो हमारा रहन सहन, हमारी सभ्यता बिल्कुल भिन्न है। हमारी दैवीय संस्कृतियां ही, हमारी जो संस्कृति है दैवीय संस्कृति है, देवताओं वाली संस्कृति है हमारी। और जब जब जो भी व्यक्ति स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जब अपनी संस्कृति को छोड़ता है, अपनी परंपराओं को छोड़ता है, तो उसका पतन होता है। बड़े बहुत बड़े प्राचीन काल में भी बड़े बड़े समाज थे जिनका पतन हुआ है, बार बार कई बार पतन हुआ है। इस कारण से हुआ कि हमने अपने परंपराओं को छोड़ा है। और उसके लिए सबसे पहले बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों में संस्कृति भर करके, संस्कार भर करके। बार बार हम लोग सत्संग में, कीर्तन में, भगवान की कथाओं में कहा करते हैं, सुनो भाई, बचपन से लेकर के और 25 वर्ष की उम्र तक बच्चे को केवल सात्विक भोजन ही कराना चाहिए। बचपन से लेकर 25 साल तक केवल सात्विकता उसके जीवन में हो। वैसे तो आगे भी सात्विकता रहे तो अच्छा है, लेकिन बचपन से 25 वर्ष तक, क्योंकि उसकी विद्या अर्जन की आयु है। इस उम्र में आप लोग अगर उसको गरिष्ठ भोजन इत्यादि उल्टा सीधा खिलाएंगे तो बुद्धि विकृत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में सप्तम और दशम स्कंद में बहुत चर्चा करते हैं भोजन की, यज्ञ की, कैसा यज्ञ होना चाहिए। भोजन भी एक यज्ञ है। जो विद्या को बढ़ाने वाला, औज को बढ़ाने वाला, तेजस्ता को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला जो भोजन है, उसे सात्विक भोजन कहते हैं। और सात्विक भोजन कैसे बनता है? पवित्रता से, साफ सुथरा होकर के, सुंदर वस्त्रों से नहा धोकर के, चौका चुल्ला इत्यादि कर करके, उसके बाद शुद्ध भोजन बना करके, भगवान को भोग लगा करके, उसके बाद जो भोजन बनता है उसको सात्विक भोजन कहा जाता है। उस भोजन को जो बच्चा उस भोजन को करता है, उसकी बुद्धि सात्विक हो जाती है, तीव्र बुद्धि होती है ऐसे बच्चों की। और जो राजसी भोजन करते हैं, राजसी भोजन से शरीर बढ़ता है, काम क्रोध बढ़ते हैं, ऐसे भोजन से बुद्धि नहीं बढ़ती है बल्कि विकृत हो जाती है और ज्यादा। और जब राजसी भोजन में दो चीजें आती हैं, क्रोध और निंद्रा, नींद ज्यादा आती है, गुस्सा ज्यादा आता है। जिन लोगों को ये दो चीजों की बीमारी है, समझ लो आप में राजसी गुण ज्यादा है। एक क्रोध और निंद्रा जिसमें ज्यादा हो, तो समझ लेना कि ये दो तकलीफ आप, राजसी गुण आप में है। भोजन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और तीसरा तो भयंकर भोजन है जो आजकल माताएं सबसे ज्यादा बच्चों को भोजन कराती हैं, वो है तामसी भोजन। तामसी भोजन में ये नहीं कि केवल आपने मांस मदिरा ही तामसी भोजन नहीं होता है, फ्रिज पर रखा बासी भोजन भी तामसिक भोजन कहा जाता है। रात को एक दिन पहले आटा गूंद लिया और वो 3 दिन तक वही चल रहा है। सब्जी एक बार बना दी, रोज गर्म करके बच्चों को वही खिलाई और वही स्कूल भेज दिया उनको, जाओ। ऐसा भोजन जो बच्चे करते हैं वो पढ़ते नहीं है, उनकी बुद्धि पढ़ने में नहीं लगती है। तामसिक भोजन है ऐसा। कैसा भोजन है? जोर से बोलिए, तामसिक भोजन है।
और तामसिक भोजन जो बच्चा करेंगे वो पढ़ेंगे कैसे फिर? और फिर आप अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा खूब पढ़ा लिखा हो, बड़ा ऑफिसर बने। ऑफिसर बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए उसको पहले बड़े अच्छे संस्कार, पहले भोजन, अन्न जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए भी कहते हैं, विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तमसम परिजक्षते। विधिहीन उचिष्ट भोजन और विधि के विपरीत, गृहस्थ के भी विधियां हैं, भोजन बनाने की भी विधि है कि नहीं? विधि से भोजन बना जाए तो देखो, हम भारतवर्षी जो है प्रसाद बनाना हमें आता है और किसी को नहीं आता। अन्य देश में प्रसाद नहीं बनता, कहीं नहीं बनता, कहीं नहीं बनता प्रसाद, केवल भारतवर्ष में ही प्रसाद बनता है। और प्रसाद हम भारतवासी जानते हैं प्रसाद बनाना, बाकी जितना मर्जी महंगा भोजन बना दीजिए उसमें प्रसाद नहीं बनता किसी देश में, केवल भारत में ही प्रसाद तैयार होता है। हम भारतवासी प्रसाद बनाना जानते हैं और भोजन को ही प्रसाद समझ करके जब हम भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं, तो क्षुधा पिपासा निवृत्त होने के बाद पुष्ट शरीर होता है, बुद्धि तीव्र बुद्धि हो जाती है, आयु लंबी होती है जो सात्विक भोजन करते हैं, आंखें दुरुस्त रहती है, शरीर ठीक रहता है, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, है ना? तो सात्विकता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जगत प्रपंच के चक्कर में अपने आप को बहुत ठीक ढंग से खींच करके अपने अपने जीवन के लगाम को पकड़ करके रखिए। हमारे जीवन में जो है ना, जैसे घोड़ों के लगाम होती है, अगर घोड़ों पर लगाम ना हो तो पता नहीं कहां रथ लेकर के चले जाएं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक लगाम है और जिसे धर्म कहा गया है, धर्म, धर्म की लगाम है हमारे जीवन में, उसी के अधीन, उसी की दीवार के अंदर हमको रहना है। हम लोग तो कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमको नहीं उठना 4 बजे, हमको नहीं करना पूजा पाठ, ये सारी चीजें बेकार की बातें हैं, हमको इन सब चीजों से आजादी चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं हम तुम्हें आजादी देने के लिए ही ये पुराण बनाए हैं। आपको आजादी मिले किससे? काम से, क्रोध से, अहंकार से, इन सब चीजों से आजादी मिलेगी, तब जाकर के आदमी आजाद हो पाएगा। लेकिन हम तो गुलाम बने हैं इंद्रियों के, इंद्रियां जो चाहती है वो हम खाते हैं, ये जीभ जो मांगती है बस, और स्वाद केवल जीभ तक है, उससे नीचे कुछ नहीं है। जितना स्वादिष्ट भोजन हो जीभा के लिए ही स्वाद है, पेट में जाकर के सभी एक जैसा है। केवल इंद्रियों के गुलाम बने। शास्त्र कहता है कि इनसे छूटने का ही उपाय है कि जो शास्त्रों का श्रवण आप कर रहे हैं, जब आप सुनेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तब जाकर के पता लगेगा कि ओहो, हम तो गलत चक्कर में फंसे हैं, इंद्रियों के गुलाम बने पड़े हैं। और जब यहां से हमारा मन छूटेगा, कैसे? गोप्यात कामात भयात कंसात द्वेषा चेत्यादयो नृपात। ब्रज की गोपियों ने अपने काम भावनाओं की वृत्ति को भगवान से जोड़ दिया। जो वासनाओं की वृत्ति थी, काम भावनाएं जो थी, संसार से मोड़ करके भगवान में लगा दी, गोविंद में लगा दी, तो कल्याण का साधन बन गई। गोप्यात कामात भयात कंसात। कंस जो हमें मृत्यु का भय रहता है कि मृत्यु आकर के पता नहीं किस दिन हमें डस लेगा वो सर्प, तो कंस ने भगवान से डर करके, जैसे जैसे भगवान से वो डरता था, भगवान की उस काली कल, जब से नारद जी ने कहा था कि वो काला काला मुरली वाला, तब से तो कंस खाने में भी काला जीरा देखता था तो उसे फेंक देता था। तो कंस ने भय से भगवान को भजा और भगवान की प्राप्ति हुई कंस को। दैत्यों से भगवान ने कहा, दैत्यों ने कहा, बोले प्रभु आप सब देवताओं की तरफ रहते हैं, हमारी तरफ तो कभी रहते नहीं है। तो भगवान ने कहा हमारा भजन करो,
तुम्हें भी प्राप्त हो जाएंगे। तो दैत्य ने कहा, बोले भजन नहीं हो पाएगा हमसे, हम तो दैत्य ठहरे, तामसी दी है महाराज, हमसे भजन नहीं हो पाएगा। कोई भजन नहीं तामस देहा, ये तामसी देह है हमारी, थोड़ी सी ध्यान में बैठते हैं तो जमाया आ जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है, माला पकड़ते ही आंखें बंद करते तो सारा संसार घूमने लगता है आंखों में, नहीं घूमता। जरा सा पूजा के लिए बैठे, वैसे तो आपको कुछ सामान याद नहीं आएगा, पूजा के कमरे में जैसे बैठेंगे आंखें जरा बंद कर दी तब तक याद आएगा कि ओहो चाबियां तो मैंने वहां बाहर छोड़ दी बाथरूम में, अरे दौड़ो भैया चाबी लेकर के आओ। जैसे ही पूजा के लिए आंखें बंद होंगी वैसे ध्यान में संसार घूमने लगता है। कोई भजन नहीं तामस देहा, तामस देह से भजन नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा फिर हमसे बैर कर लो, अगर तुम भजन नहीं कर सकते तो बैर कर लो, फिर जिसकी जैसी भावनाएं रहेंगी मैं वैसे उसको उसी रूप में दर्शन दूंगा, लेकिन गति तो हमेशा उसको मेरी ही गति मिलेगी। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से उसे भी भजता हूं, उसे भी मिल, उसे उसी भाव से मिलता हूं मैं। फिर तो कंस ने वो वृत्ति भगवान से लगा दी, शिशुपाल ने द्वेष करके भगवान से द्वेष किया, ध्यान भगवान का करता रहा कि नहीं। आज शत्रु ज्यादा याद आता है कि मित्र ज्यादा याद आता है, बोलो, सहेली ज्यादा याद नहीं आती, लेकिन जिससे झगड़ा झगड़ा किया उससे ज्यादा याद आती है बार बार। बोले शंकर भगवान की जय हो, आजादी की नहीं आती, मित्र से ज्यादा शत्रु याद आता है। तो शिशुपाल भी प्रतिक्षण भगवान का ध्यान करता रहा, और भगवान का तो मंगलमय स्वरूप है, अमंगल तो भगवान का भी करते रहिए जीवन में। भगवान जैसे भी आप भजो, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दशि दस हूं, हर समय भगवान का नाम तो मंगल ही मंगल करता है। लेकिन हम तो सोचेंगे, अब क्या सोचते हैं, अरे अभी बुढ़ापा नहीं आया, कुछ दिन बाद देख लेंगे, अभी क्या, अभी तो जो बच्चे ही हम, थोड़ा सा और नाती पोते हो जाएं फिर उसके बाद भजन ही तो करना है, और करना क्या है। ये सोचते सोचते उम्र बीत गई भैया, लेकिन सुधर नहीं पाया आज तक, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरे नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरे नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरे नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, आदत पुरानी रीत पे, आदत पुरानी रीत पे, चलती चली गई, आदत पुरानी रीत पे, चलती चली गई, ठहरे नहीं ये उम्र भी। गाइए जरा जमते हुए गाइए, ठहरे नहीं ये उम्र भी,
चाहते थे हो हरि की उपासना, हम चाहते थे हो हल्की उपासना, हम चाहते थे हो हरि की उपासना, हम चाहते के हो हरि की उपासना, लेकिन हमें ये वासना, लेकिन हमें ये वासना चलती चली गई, लेकिन हमें ये वासना चलती चली गई, पुरानी रीत पे आदत हर हर महादेव। सोचते हैं कई बार, अरे आप ही नहीं कोई बात नहीं सुधर जाएंगे, छोटे बच्चे हैं जी कोई बात नहीं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं, सुधर जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन वही उनकी आदत बन जाती है, सोचेंगे समझ जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, सोचा समझ जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, गलती पे गलती होती, गलती पे गलती, गलती चली गई।